हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं नवरात्रि स्पेशल नाश्ता, जो खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि इसे सब बहुत मज़े से खाने वाले हैं। व्रत वाले तो इसे खाएंगे ही, और जिसने व्रत नहीं भी रखा है वो भी इसे बहुत चाव से खाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की रेसिपी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं। इन्हें हम अच्छे से फॉक की सहायता से मैश कर लेंगे। गरम गरम ही मैश कर लीजिएगा, क्योंकि तभी अच्छे से मैश हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद मैश करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है और गुठलियाँ सी रह जाती हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कटोरी शामक का आटा। ये शामक के चावल का आटा है जो व्रत में खाया जाता है, ये उसी का आटा है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है पीनट। पीनट को मैंने रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लिया था। धनिया मैंने खूब सारी लिए हैं यहाँ पे, इनको भी बारीक चॉप कर लिया था मैंने। अब उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच लिया है मैंने, और इसमें आधा ही चम्मच मैंने भुना जीरे का पाउडर डाला है। बस इसके बाद अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास शामक का आटा नहीं है, शामक के सिर्फ चावल हैं, तो आप उसी को ग्राइंड करके उसका पाउडर फॉर्म में उसको ले लीजिए, और उसका आटा तैयार है हमारे पास। मैंने भी इसी तरीके से लिया था। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, और इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, ताकि जो चावल का आटा है वो अच्छे से फूल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं गाइस, चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारा नाश्ता। इतनी सी लोई लीजिएगा अपने हाथ में, उसे थोड़ा सा हम शामक के आटे में थोड़ा सा डस्ट कर लेंगे, और हाथों में ही उसे चपाती की तरह फैला लेंगे। देखिए, बिल्कुल इस तरीके से बहुत आसानी से ये बन जाता है। अगर आपको इस तरीके से दिक्कत होती है, तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी आगे जाके। पहले हम इस तरीके से बना लेते हैं हमारा पहला चीला। आप इसको चीला भी कह सकते हो, आप इसको परांठा भी कह सकते हो। खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। मैंने देसी घी डाल दिया है 1 चम्मच। आप चाहो तो ऑयल ले सकते हो, अगर आप व्रत में ऑयल खाते हो तो। इसे हम अच्छे से अलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे। फ्लेम हमें यहाँ पे मीडियम ही रखनी है। क्रिस्पी होने तक हम इसे अच्छे से सेक लेंगे दोनों तरफ से। देखिए, घी लगा लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, और अच्छा सा क्रंच आ जाएगा इसमें। हम इसे 2 बार एक साइड से सेक रहे हैं, 2 बार एक साइड से सेकेंगे, ताकि इसका अच्छे से क्रंची हो जाए ये जो हमारा नाश्ता बना है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा तरीका बता देती हूँ। 1 चम्मच घी मैंने पैन में डाला है, उसके बाद 1 चम्मच ही मैंने बैटर ले लिया है। उसे इस तरीके से चम्मच की सहायता से हम फैला देंगे। चम्मच की बैक साइड थोड़ा सा घी लगा लीजिएगा, अगर ये चिपक रहा हो फैलाने में तो। और इस तरीके से इसे थोड़ी थोड़ी शेप दे लेंगे, राउंड शेप। ये तरीका भी बहुत ही आसान है। देखिए, इक्वली स्प्रेड कर लिया है हमने इसे अच्छे से। चलिए इसे भी उसी तरीके से सेक लेते हैं हम, जैसे हमने पिछला वाला सेका था। इसे सेकने में 3 से 4 मिनट लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पे। ये नाश्ता इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप इसे बिना व्रत के भी ज़रूर बना के खाओगे। देखिए, इसके साथ ग्रीन चटनी बना लीजिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। मेरे चैनल पे व्रत वाले ग्रीन चटनी की रेसिपी है, आप उसे जाके ज़रूर चेक कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ कितना अच्छा बना है हमारा नाश्ता। इसे ग्रीन चटनी के साथ, दही के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।